तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग एंटरटेनमेंट। तो गाइस, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ ये सेलियो कंपनी का जूसर। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने अमेजोन से नहीं मंगवाया, ये हम बाय करके आए हैं 800 का। ये सेम ड्यू टू यही चीज़ है। तो अब हम फिलहाल इसे ओपन करते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। काफी ज्यादा हैवी है। तो गाइस ये है इसका ग्लास है, काफी हार्ड प्लास्टिक वाला है। इसमें हमने 1200 वाला भी देखा था, बस उसकी ये चीज मेटल की थी। सेम चीज ओपनिंग का है। यहाँ पे इसका ये दे रखा है, जब इसको ऐसे लगाते हैं तो यहाँ से लगता है वो, और यहाँ से जूस निकलता है नीचे से और गिलास में जाता है। ये सेलियो कंपनी का है, काफ़ी बढ़िया है। अभी चलो अभी हम इसका जूस निकालेंगे। तो मेरे को खाली इसकी ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, जो ये पीछे से बहुत ज़्यादा डेंट पड़े हुए हैं इधर से। तो अब हम इसका जूस निकालते हैं। तो चलो, तो गाइस ये इसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कौन कौन सा जूस बन सकता है। इसमें बन सकता है लाइम का, लेमन मतलब ऑरेंज का जूस बन सकता है, मौसम्बी का जूस बन सकता है और पॉमीग्रेनेट का जूस बन सकता है। अगर आप ये लोगे तो आपको यहाँ पर मेंशन हुआ दिख जाएगा सब कुछ। और ये है इंस्टेंट जूस मशीन। इसमें जूस का प्लम भी आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलो जूस बनाते हैं। गाइस मैंने मौसमी इसको पीसीज में कट कर लिया है। जो लोग समझते हैं कि सीड्स का कड़वा टेस्ट इस जूस में आता है, तो जरा भी जूस में कड़वा टेस्ट नहीं आता। और साथ ही साथ मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, हम जूस में ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करेंगे। तो अब हम जूस निकालते हैं। सबसे पहले मौसमी को ऐसे रखना है और सॉफ्ट हैंड से इसको ऐसे प्रेस करना आराम से। वो सीजन पे डिपेंड करता है कि मौसमी में जूस ज्यादा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और अब मैं दूसरी मौसमी, मतलब ये होने के बाद मेरी टोटल 1 मौसमी हो जाएगी। आप जूस देख सकते हैं कितना बढ़िया निकल रहा है अच्छी तरह से। मौसमी अगर जरा सी भी टेढ़ी रख गई तो मतलब ये नीचे को नहीं आएगा। जो ये चीज़ है, अगर मौसमी थोड़ी सी भी टेढ़ी होती है तो ये चीज़ यहीं पे अटक जाएगी, यहाँ से नीचे नहीं आएगी। और अब हमारी टोटल 1 मौसमी हो चुकी है और देख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ मैंने मौसमी को टेढ़ा रखा तो ये प्रेस नहीं हो रहा इधर से नीचे। तो अब हम मौसमी को सीधा करेंगे पहले। हाँ देखें, अब अच्छी तरह जाएगा। गाइस देख सकते हैं आप, जैसी 3 मौसमीज में ही हाफ गिलास जूस हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि मौसमी सीजन पर डिपेंड करता है कि मौसमी में जूस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जब तक फ्रूट जूस ही नहीं होता मेरे को तो मज़ा नहीं आता फ्रूट खाने में। जैसे कि एप्पल हो गया एग्जाम्पल, एप्पल, मौसमी और ऑरेंज देख सकते हैं आप, हाफ गिलास से ज्यादा हो चुका है।
तो गाइस अभी मैं जूस निकाल लेता हूँ, फिर आपको मिलते हैं जूस निकाल के। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, जिनको मौसमी खाना पसंद नहीं है, मतलब जो काटने में आलस करते हैं, तो मौसमी जैसे कि मेरे जैसे लोग बहुत आलसी हैं, तो मैं मौसमी काट कर जूस निकाल के ही पी लो, वो अच्छा है। और अगर मौसमी आप ऐसे ही खाते हो तो मुँह में कड़वा टेस्ट भी आता है इसके छिलके का, ये देख सकते हैं, ये इससे आगे नहीं जा रही, ये इससे आगे नहीं जा रही, देखो दोबारा अड़की है इसकी। ये बात मुझे थोड़ी सी वो लगी, आप देख सकते हैं जैसे कि फुल गिलास जूस हो चुका है। अब मैं आप चेक कर लेता हूँ मौसमी कोई बची है। हाँ तो गाइस हमारे पास 2 मौसमीज लेफ्ट हैं, तो उनका भी जूस निकाल लेते हैं, पूरा गिलास फिल हो जाएगा। तो गाइस जो प्लम है वो इधर इकट्ठा हो जाता है, जो प्लम है इधर इकट्ठा हो जाता है, देख सकते हैं आप, और सिर्फ जूस नीचे जाता है, जूस नीचे जाता है, प्लम यहाँ सारा इकट्ठा हो जाता है। और फिर आप इसको वॉश कर सकते हो जूस निकालने के बाद। ये लास्ट मौसमी पेंडिंग है, इसको भी जूस नहीं, इसका भी जूस निकाल लेते हैं। तो गाइस दैट्स इट, तो हमारा जूस निकल चुका है। और अभी हम एक बार यहाँ पे भी घुमा लेते हैं, अब जो प्लम के अंदर जूस होता है वो भी बाहर निकल जाता है, जैसे कि सीड्स होते हैं वो जूस रोक देते हैं साइड से बाहर नीचे को निकलना। देख सकते हैं आप जैसे भी जूस की ड्रिपिंग हो रही है, नीचे से जूस की ड्रिपिंग हो रही है, आप देख सकते हैं अभी भी जूस ड्रिप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। तो गाइस जूस बन चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं टोटली 7 मौसमीज में पूरा भर के गिलास जूस घर पर कैसे निकाल सकते हैं आप। तो अब हम इसमें इसको इसमें डाल रहे हैं, ये कम से कम 2 जने जूस पी सकते हैं, देख लो 1.5 गिलास इज स्पेंडिंग। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, गाइस ये स्ट्रॉ से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब मैं आपको पी के दिखाता हूँ कि ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो गाइस ये जूस आप देख सकते हैं, और अब मैं पी के दिखाता हूँ कि ये जूस कड़वा निकला है या नहीं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम पी हूँ, मैं पहले कभी ट्राई नहीं कर रखा है ये मशीन का जूस घर पे। प्लम भी आ रहा है, जूस भी है, और ब्लैक सॉल्ट नहीं, तो भाई क्या लाजवाब। जो मेरी तरह जो फ्रूट लवर्स हैं वो जरूर ट्राई करें ये मशीन लेके, ओनली सिर्फ 800 की है, दिवाली है, दिवाली पे वो डिस्काउंट भी देंगे आपको। ये 900 की थी, 5% ऑफ था, तो हमें ये 800 की पड़ी है, बेस्ट है बेस्ट। तो गाइज अब बस आज के लिए इतना ही, तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज डेली ब्लॉग एंटरटेनमेंट।